देखा मैंने कबाब करना शुरू कर दिए अंडा लगा के, एक साइड से जब फ्राई हो जाए फिर अंडा पलट दें। आपको कितना अच्छा लग रहा होंगे यूट्यूब फैमिली, नाश्ते से सब चीज़ें फारिग हुई हैं और रमज़ान काम पे चले गए हैं। मैं भी थोड़ा लेटी हुई थी, आज मुझे बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हो रहा है और दिमाग बहुत भारी भारी सो रहा था। मैंने कहा थोड़ा लेट जाऊँ तो मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली से बातचीत करी जाए और आप लोग सब ठीक ठाक हैं। बस ज़ुकाम रात से बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिमाग इतना भारी हो रहा है, बात करने में भी प्रॉब्लम हो रही है मुझे ना। मैंने कहा चलें पहले अपनी यूट्यूब फैमिली से सलाम दुआ कर लें फिर इसके साथ अपना ब्लॉग आज आगे बढ़ाते हैं। आप लोग मेरे साथ लीजिएगा जी यूट्यूब फैमिली। मेरे घर का सब काम हो गया है, बर्तन रह गए हैं थोड़े से, बर्तन धोने हैं तो मैंने सोचा पहले आप लोगों से बातचीत कर ली जाए। आप लोग कोई भी हमारी वीडियो को पूरा वॉच नहीं कर रहे हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आपको अच्छे से अच्छा ब्लॉग दिखाएं और आप लोगों का सपोर्ट रहा और आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है हमारे को। प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को पूरे पर देखा करें, आगे शेयर भी किया करें। और सुनाएं आप लोग, देखिए मेरे घर पे तो सारा काम हो गया है, जल्दी मैं जल्दी उठ जाती हूँ, जल्दी सारा घर का काम कर लेती हूँ। बस अब मैं बर्तन रह गए, बर्तन धोऊँगी और कूलर में पानी डालूँगी। आप पता आपको ठंडा, आज मुझे ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है लेकिन ना रात को मैंने कोल्ड ड्रिंक भी पी ली थी तो उसकी वजह से मेरे को ज़्यादा ज़ुकाम हो गया है। आपको मेरी आवाज़ भी अजीब सी लग रही होगी। और रोज़ का यही रहता है क्या पकाएं, रोज़ का यही रोज़ की यही रूटीन है आपको पता है। अब रमज़ान आ जाएंगे कुछ रमज़ान की भी तैयारी शुरू करेंगे। बस मैं तो रमज़ान में सिंपल सी इफ्तारी बनाती हूँ क्योंकि ना रमज़ान ज़्यादा नहीं पसंद करते, थोड़े बहुत सी वो फ्रूट चाट शौक से खाते हैं तो मैं फ्रूट चाट बना लेती हूँ, शरबत बनाती हूँ, शरबत कम पीते हैं शरबत भी बनाती हूँ, अलग अलग रोज़ चेंज करती रहती हूँ, रोज़ कुछ ना कुछ डिफरेंट होना चाहिए। रफ्तारी खाने में मज़ा भी आता है, खाना तो बहुत कम खाते हैं, वो मुश्किल से खाते हैं, अगर उनका मन रहता है तो खा लेते हैं वरना नहीं खाते। और आप लोग सब कैसे हैं, सब ठीक ठाक हैं हमारे भिन्न भाई? प्लीज़ और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, आप लोग की सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा चैनल भी, हमारा टाइम हो जाएगा, हमारा वॉच टाइम भी पूरा हो जाएगा। जितने भी हमारे भिन्न भाई जहाँ जहाँ से हमें देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट करें, बहुत ज़्यादा। आलिया रमज़ान अली के नाम पर मेरा चैनल है। सुबह के 9 बज गए हैं तकरीबन, मेरा सारे घर का काम हो चुका है। ये देखिए मेरी और मेरे भतीजे की तस्वीर लगी हुई है। देखिए मैंने सारा अपना रूम साफ़ कर लिया है, अब मैं बर्तन धोने के लिए जा रही थी। और आप लोग यूट्यूब फैमिली, आप लोग जो भी मुझसे अगर कॉल पे बात करना चाहें तो आप लोग मुझसे कॉल पे बात भी कर सकते हैं,
और आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं ताकि आप हमारी वीडियो के बारे में बताएं कि हमारी वीडियो कैसी बन रही है, आप लोगों को पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। तो प्लीज़ आप लोग सब हमें बताया करें, और आप लोग कॉल करेंगे मुझे अच्छा लगेगा। कोई मुझे ऑप्शन नहीं है, कोई चीज़ का त्रास नहीं है मेरे को। ये देखें हमारी नन्नो आइसक्रीम खा रही है बैठी हुई। हाय नन्नो, हाय। ये देखिए आज मैं रेसिपी में आप लोगों को आलू के कबाब बनाना सिखा रही हूँ। ये मैंने आधे किलो आलू लिए, चने की दाल आधा पाव लिया, उसे बॉईल करके और बारीक बारीक कूट लिया। इसमें कूटी हुई मिर्चें हैं, नमक है और थोड़ा सा गरम मसाला है, और ये हरा मसाला में प्याज है, हरा धनिया है और दो तीन हरी मिर्चें हैं। पहले मैं इन सबको मिक्स कर लेती हूँ। दाल को अच्छी तरह उबाल लोगे ना तो वो किसी भी चीज़ से आप कूटोगे तो कूट जाएगी, ज़रूरी है उसको ग्रिल्ड करें। लोगों को अच्छी तरह मिक्स करके टिक्की ऐसी बच्चे से शामी कप की टिक्की बनाते हैं इस तरह, इसमें टिक्की बना। आप कुछ कहना चाहेंगे यूट्यूब फैमिली से? अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक हैं। तो मैं अभी लंच के लिए आया था, तो लेकिन आज ना गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो अल्लाह ताला देखें अब आगे रोज़े भी आने वाले हैं, किसी गर्मी होगी। बाकी ये है कि खुदा सब्र देता है सबको, तो ये है कि रमज़ान भी आने वाले हैं, बस तीन चार दिन रह गए हैं। तो रमज़ान की ट्रेन लाजमी बताइएगा आपको किस टाइप पे वीडियो चाहिए, फिर इंशाल्लाह हम वैसी वीडियो बनाएंगे। तो ये देखें ये मेरी भतीजी बैठी हुई, मज़े से मोबाइल देख रही है वो अपना। नहीं बनाए इनकी चुड़ैल की वीडियो, ये हमारी छोटी चुड़ैल है। तो ये बेगम की कबाब की टिक्की तैयार हो गई हैं, अभी ये देखें सब कुछ इन्होंने तैयार कर लिया है। तो अब ये इनको तलेंगी, तो जब ये तलेंगी तो ये आपको ज़रूर दिखाएंगी। बेगम इनको क्या बोलते हैं, आलू के पटाटे? नहीं आलू के कबाब, आलू के कबाब वो बेसन लगा के बनते हैं, ये आलू की टिक्की है जैसे आलू के कबाब होते हैं ना वैसे। अच्छा भाई ये आलू के कबाब है, चटनी बनाएंगे इसके साथ, चटनी होगी। अंडा लगा के फ्राई करते हैं। हाय मैं रोटी बना रही हूँ, रोटियाँ पका के फिर आपको कबाब फ्राई करके दिखाऊंगी। अभी मैं रोटी पका रही आज बहुत गर्मी हो रही है, बहुत तेज धूप है ना नुमान? ठंडे टाइम में ठंडा हो जाती है। रोटी पका रही हूँ, फिर आपसे मुलाकात होती है। ये देखिए यूट्यूब फैमिली मेरी दोस्त आई हैं, इनकी बेटी हैं। अस्सलाम
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, आप कैसे हैं? ये मेरी दोस्त हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। चाय पी रही हैं हुमा साहब, चाय पी रही हैं। हमारा साथ दें, चाय पिए आप लोग भी। आलिया रमजान अली का चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें और आगे से आगे शेयर करें ताकि हम आगे तक के चल सकें। देखा, मैंने कबाब करना शुरू कर दिए अंडा लगा के। एक साइड से जब फ्राई हो जाए तो फिर अंडा पलट दें। आपको कितना अच्छा लग रहा है यूट्यूब फैमिली? अंडे में कोशिश करके अंडे में डिप करके फिर अंदर आपके स्पेशल दिखाऊं, आपकी तस्वीर दिखाऊं। अच्छे हैं, हमारी YouTube फैमिली को भी पसंद आए होंगे। देखें आपको आज की रेसिपी यकीनन ज़रूर पसंद आएगी यूट्यूब फैमिली। अब आप आगे रमजान का इसका इजाज़त दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।